ये देखें, जो आज मैं आपके लिए रेसिपी बना रही हूँ वो चिकन माउंटेन्स है। तो इसके लिए बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल किया है, बहुत ही कम स्पाइस इस्तेमाल हुए हैं। तो ये किस तरह से बनाया है मैंने आपको मैं दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज जो रमज़ान के हवाले से मैं रेसिपी बना रही हूँ वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन रेसिपी का नाम जो है चिकन माउंटेन्स है। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, तो आ जाते हैं हमें रेसिपी की तरफ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, 1 पाव क्यूब में कटा हुआ मैंने चिकन ले लिया है। और इसके लिए जो स्पाइस चाहिए, ये 1 चमचा चिकन पाउडर है, और ये 1 चमची काली कुटी मिर्च है, और ये 1 चमची चाट मसाला है, ये आधी चमची कश्मीरी मिर्च है, और ये हसबे ज़रूरत नमक है, और इसमें 1 चमचा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और 1 चमचा हरी धनिया है, जो कि मैं चिकन के क्यूब में डालकर इसको चॉपर में पीस कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये आपके पर्णा पट्टी है 1 पाव, ये इस तरह से स्क्वायर में लिए हैं मैंने कटे हुए, ये इस तरह से बनाने के लिए, ताकि सारे सब इस शेप में पूरे इस तरह से हों, इस तरह, तो ताकि सारे जो है ना माउंटेन्स बिल्कुल एक साइज़ के बने। और ये लिक्विड है, 1 चमचा मैदा है इसमें, और 1 चमचा कॉर्न फ्लावर है, जिसको मैंने ये लिक्विड बना लिया है, इसकी हेल्प से हम इसको चिपकाएंगे। ठीक है, आपको मैं चॉपर करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको चॉपर में डालकर इस तरह से बारीक पीस लिया था चिकन के कीमे को, सारे स्पाइस डाल करके। इनमें से मैंने कुछ चिकन माउंटेन बना लिया है, और कुछ मैं आपके सामने 1-2 बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें, इसको इस तरह से बनाना है। ये मैंने पट्टी ली स्क्वायर में इस तरह से, ये थोड़ा सा बैटर रखा मैंने, ये स्टफिंग रखा माउंटेन्स का, और उसके बाद उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करना है। वो बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही कम स्पाइस इस्तेमाल हुआ है। ये इस तरह से बनाए, ये देखें ऐसे। चाहे तो आप स्क्वायर वाली पट्टी जो है, ये पर्णा पट्टी छोटी भी ले सकते हैं, लेकिन हर तरफ से बराबर होना चाहिए, कम से कम 4 इंच का होना चाहिए। ये इस तरह से मैंने यूँ दबाया, इसको यूँ फोल्ड किया, और इसके ऊपर ये जो मैंने लिक्विड बना कर रखा था, ये इस तरह से इसके ऊपर लगाऊँगी, ये इस तरह से इसके ऊपर ऐसे मैं इसको चिपका दूँगी। ये देखें, ये शेप आ गया। देखिए, इस तरह से मैं सारा स्क्वायर की पट्टी में स्टफिंग, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं डालना है, इसका मज़ा इसी में है कि आप बिल्कुल अंदाज से डालें। देखें, मैंने इतनी मकदार में डाला, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको इस तरह से, इसको मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा रही हूँ, इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से थोड़ा टाइट फोल्ड करेंगे, ताकि इसके अंदर का स्टफिंग बाहर ना निकले। ये इस तरह से, बस इतना हिस्सा हमने ये छोड़ देना इस तरह से, ताकि ये खूबसूरती माउंटेन का जो है इसी से आता है। इसको फिर हम फोल्ड करेंगे तो ये हिस्से के बराबर पीछे भी आ जाएगा। देखिए, इस तरह से यहाँ उंगली दबाएंगे, ऐसे, ये ऐसे हो गया। और इस तरह से हमने इस हिस्से पर, ये वाले हिस्से पे मैंने ये बैटर लगाना है। ये देखें, इस तरह से, ये जो नीचे खुला, इसके नीचे भी लगा दें, कोई मसला नहीं, तो बिल्कुल भी ये बंद हो जाएगा। अब ये वाले हिस्से को मैंने यूँ लिया और इसके ऊपर ऐसे ये दबा दिया। ये देखें, ये एक किश्ती की शक्ल में भी आ गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, कितना मज़े का अच्छा बन गया, देखने में लुक कितना प्यारा लग रहा है, लग रहा है यूँ जैसे छोटी सी किश्ती बन गई। ये माउंटेन बनता ही है इस तरीके से, ये देखें इस तरह। तो इसी तरह मैं सारा तैयार करके आपको फिर दिखाती हूँ, उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। ये देखें, सारा मैंने इस तरह से चिकन माउंटेन बना लिया है। अब इसको मैं आपको बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम टू लो फ्लेम में फ्राई करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने कढ़ाई में पहले से ऑयल गरम कर लिया था, और ये मैंने माउंटेन्स डाला है। अब इसको जो है ना, इसके अंदर का जो स्टफिंग है, ये इसी में पक जाएगा बिल्कुल लो फ्लेम पे, हमने इसको ज़्यादा हाई पे नहीं बनाना है। अब देखें, इसको मैं दूसरी तरफ टर्न कर रही हूँ, ये देखें कितना बेहतरीन क्रिस्पी बन गया है। ये इस तरह से, ये देखें इस तरह, थोड़ा अब इस तरह से ये पक जाएगा, उसके बाद मैं इसको निकाल कर दिखाती हूँ। इसके अंदर का स्टफिंग भी बिल्कुल पक गया है। इसी तरह बारी बारी सारा फ्राई कर लूँगी मैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा बना लिया मैंने, कितना अच्छा बेहतरीन लुक आया। ये देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अच्छा खूबसूरत बन गया, देखने में भी बहुत खूब लुक आ रहा है अच्छा।
तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर बनाएं। आप लोग बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत क्विक और यूनिक रेसिपी है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूँगी। तो मेरे चैनल पर नए हैं, अच्छे कमेंट्स करें, फीडबैक दें और नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात करूँगी। खुश रहें जहाँ भी रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।